हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हंटर कास्ट के एक और नए वीडियो में। हमने अपना नेम हंटर कास्ट से एच सी व्लॉग कर दिया है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। हमें एच सी व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि व्लॉग जाने से ना हम हर कंटेंट डालेंगे, मतलब कलाकार स्कैन रहेगा अपना घूमने का, लाइफ स्टाइल का हर एक व्लॉग डालेंगे। तो आज हम बात करेंगे 6G के बारे में। हम 6G का एक रिव्यू देंगे, ड्राइव इंप्रेशन देंगे, कंप्लीट ओवरव्यू देंगे कि आपको लेनी चाहिए, पूरा कंप्लीट पैकेज है 6G के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें हंटर कास्ट के नाम पर। तो ये है 6G जो भी आई है करंटली। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, इसमें DRL रिमूव कर दिया गया है, जो पहले DRL आता था वो रिमूव कर दिया गया है। सीधी आपको LED मिलेगी, साथ में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी और ये इंडिकेटर की कुछ ऐसे डिज़ाइन दे रखा है, काफ़ी कूल डिज़ाइन है ये इंडिकेटर के ऊपर भी। ये देखिए यहाँ पे क्रोम पार्ट दिया गया है, यहाँ भी क्रोम पार्ट दिया गया है। ये इंजन और जो ये बंद है, ये पहले रबड़ था, अभी प्लास्टिक कर दिया गया, बंद है। और ये वाली एक्टिव में एक्सेसरी लगी हुई है, ये एक्सेसरी लगवाई गई है, आपकी मर्जी, आप लगवाना है चाहे तो लगवा लें। और ये इसका आगे रिम है। टायर साइज की बात करूँ तो ये रहने वाला है 90R 12 इंच का। तो आगे वाला टायर काफी ज्यादा बड़ा है, सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन मिलेगी, साइड में रिफ्लेक्टर मिलेगा, आपको एक्सेसरी मिल जाएगी। ये पूरा एक्सेसरी पार्ट है फ्रंट में। और इसकी कॉम्बी ब्रेक है फ्रंट में, आप देख सकते हैं। एक्टिवा में एक्चुअली आती कॉम्बी ब्रेक है, सब एक्टिवा में कॉम्बी ब्रेक ही आती है। और यहाँ पे आपको एक्टिवा की ब्रांडिंग मिल जाएगी 6G के साथ। ये भी एक्सेसरी पार्ट है, ये तो पूरा एक्सेसरी लगी हुई है। पीछे से देख ले आप, इसकी रियर की लुक और ये साइड लुक दूर से देख लीजिए। अगर मीटर कंसोल की बात करूँ तो इसमें, इस मॉडल में वैसे भी ये वाला तो सिंपल है, आई थिंक इसे डिजिटल भी आता है। हाँ, इसमें डिजिटल भी आता है, तो ये सिंपल वाला है। दो मॉडल आते हैं ना इसमें, एक एलईडी, एक हैलोजन, तो ये एलईडी वाला है। एलईडी वाला, तो इसमें हमें सिंपल मीटर मिलता है बिल्कुल। यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे आपको स्पीडर मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका पास का मिल जाएगा हाई बीम का, और यहाँ पे आपका इग्निशन का साइन मिलेगा अगर आप कार अब एक्टिवा ऑन करेंगे। देखिए हमने ऑन करा है, इग्निशन का साइन आएगा। और ये एक्टिवा 6G है, वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट स्टार्ट है। देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ ये नीचे दबाना और ब्रेक, ये स्टार्ट भी स्टार्ट पता नहीं लगता कि कब स्टार्ट होगी। ये थोड़ा इन्होंने बाइक वाला थोड़ा इसमें भी पा दिया है, जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं ऐसे नीचे करके। एक्टिवा में सिंपली आपको ऐसे प्रेस करना होता था पहले, तो ये बाइक की तरह कर दिया है, ऐसे दबा के स्टार्ट हो जाती है। अगर इस साइड की बात करें, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हेडलैम्प कंसोल का पूरा, ये हाई बीम, ये लो बीम, और ये पास के लिए ऐसे पास करने के लिए ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और ये हॉर्न कॉल आपको सुनाते हैं एक बार, हॉर्न सेम ही। और इसके जो रियर व्यू मिरर है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया पहले से, और ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। की देख सकते हैं आप, हाँ, तो सिंपल की आती है जैसे आपको पता है, की सेम ही रखी गई है पहले की तरह ही। लुक्स में थोड़ी बहुत एजेस दे दी गई हैं, इसमें थोड़ा शार्पनेस डिज़ाइन दे दी गई है, जैसे यहाँ पे आपको लाइंस मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा लाइंस ऐड करी गई हैं यहाँ पे देखने। ये हीट के लिए थोड़ा डिज़ाइन रखा गया है, यहाँ से हीट निकलेगी इंजन की। और इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी फिर से वही रिपीट की हुई है, न्यू तो नहीं बोल सकते, ये HET जो लिखा है यहाँ पे, BS6 इंजन है। और इसमें ये पावर आई है, एनहेंस स्मार्ट पावर आई है एक नवी, जो पहले से ज़्यादा पावरफुल है एक्टिवा। तो अगर आपको फ्यूल डलवाना है, आपको उठने की लोड़ नहीं पड़ेगी कि बार बार सीट से उठना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ से आपको ऑन से आपको फ्यूल पे करना पड़ेगा, और आपको ऊपर वाला प्रेस करना, ऊपर वाला आपको फ्यूल के लिए मिलेगा, नीचे वाला आपको सीट के लिए मिलेगा। फ्यूल सिंपली ओपन हो गया और यहाँ से आप फ्यूल डलवा सकते हैं, आपको उठने की कोई जरूरत नहीं। एक बार दोबारा दिखा देते हैं बटन ऑन करके। हाँ, अगर हम बटन ऑन करेंगे तो फ्यूल पे किया हुआ है, फ्यूल पे किया हुआ है तो ऐसे खुल जाते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी। और इस तरह से अगर आपने सीट खोलनी है तो ये ऊपर फ्यूल और नीचे सीट है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आपको यहीं पे रखना है फ्यूल और सीट इकट्ठा, या अगर फ्यूल खोलना है तो ऊपर, सीट खोलनी है तो नीचे, सीट को प्रेस करेंगे तो आपकी सीट खुल जाएगी। और ये आपकी थोड़ी काफी ज्यादा स्पेस मिल जाती है इसमें। तो ये थी आप बात होगी ओवरव्यू की, अब इसका लेते हैं एक क्विक ड्राइव इंप्रेशन। तो हम बैठ गए एक्टिवा पे और हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा साइलेंट स्टार्ट है। और चलते हैं एक राइड पे, देखते हैं इसका क्या सस्पेंशन है और कैसी चलती है न्यू एक्टिवा 6G। तो चलिए चलते हैं। एक्टिवा का कंफर्ट बहुत प्यारा है यार, बहुत स्मूथ चल रही है एक्टिवा, और ऐसा लग रहा है कि बहुत एक साइलेंट स्कूटी है, कोई ज़्यादा शोर नहीं है स्कूटी में,
अगर हम कंपेयर करें जुपिटर से, तो जो आपको सबको पता है जुपिटर की आवाज़ कितनी गज 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 करती है, पर ऐसा इसमें एक्टिवा में कुछ भी नहीं है। एक्टिवा एक्टिवा ही है, इसके बहुत कंपटीशन आ गया पर एक्टिवा को कोई बीट नहीं कर पाया। एक्टिवा एक्टिवा ही है अपनी जगह। होंडा की चीज़ बहुत अच्छी है एक्टिवा, जो स्कूटी है, जो टू व्हीलर है होंडा का। हम पर्सनली 2007 से यूज़ कर रहे हैं, जो फर्स्ट मॉडल आता था एक्टिवा, अब भी वो फिट एंड फाइन चल रही है। सेल्फ स्टार्ट अभी भी है, बहुत ज्यादा इसे कहते हैं रिलायबल, 14 ईयर्स हो गया लगभग उसे। उसका रिव्यू भी लाइक ही आएंगे आपके लिए, जरूर लेके आएंगे। ओल्ड इज गोल्ड वाली बात, अब भी बहुत सही चल रही है वो। और अब थोड़ा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, ये थोड़ा स्ट्रेच लेके देखते हैं, अब थोड़ा भगा के देखते हैं आपको कि थोड़ा आइडिया होगा कहां तक भागती है। तो हम एक स्ट्रेच लेते हैं, 1 2 3। तो पावर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पहले से थोड़ी पावर इंक्रीज हो चुकी है वो पता लग रहा है, क्योंकि हम करंटली 5G यूज़ कर रहे हैं, तो 5G से कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर है 6G में। तो एक बार फिर से टच लेते हैं थोड़ा सा, ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, अगर आपको एकदम ब्रेक मारनी पड़ जाए तो ये जब ही रुक जाएगी, इतनी अच्छी ब्रेक्स है इसकी। आपको एक बार ब्रेक का ओवरव्यू दोबारा चेक करवाते हैं, एक मिनट। तो एक बार ब्रेक का ओवरव्यू देते हैं, तो भैया वहाँ से लेके जाएंगे और स्पीड में लेके आएंगे, फिर हम देखते हैं कैसा इसका ब्रेक का ओवरव्यू। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ रहे हैं, तो ब्रेक मारी तो देखिए कितनी जल्दी रुक गई एक्टिवा ये 6G। पीछे वाला टायर आगे वाले से छोटा है, 2 इंचेस का फर्क है पीछे वाले टायर में। तो ये थी हमारी आज की एक्टिवा की पूरी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बता देना। चैनल पे न्यू है तो प्लीज जिसने एक्टिवा लेना जरूर ले। हाँ, तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने लेनी एक्टिवा एक्टिवा ही ले, जुपिटर जुपिटर आपको पता है इतनी अच्छी है नहीं, गर 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 आवाज वैसी बहुत करती है, एक्टिवा की रिस्क कोई नहीं है, एक्टिवा ही ले, कोई और देखने की जरूरत भी नहीं है, हम आपको एक्टिवा ही रिकमेंड करेंगे। और चॉइस आपकी, अगर आपने एलईडी लेने है या हैलोजन में लेनी है। हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा आप एलईडी वाली लेंगे, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, 1500-1500 का फर्क है, एलईडी का थोड़ा रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा एलईडी का भी। अगर आपको दोनों हमारी वीडियो में देखना है तो हमारी एक्टिवा 6G, अगर आपको कंपेरिजन देखना है दोनों लाइट का, तो हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आके आप देख सकते हैं, हमने दोनों लाइट का ओवरव्यू करा हुआ है, आपको वहां से बेटर जज हो जाएगा। एक बार यहां से भी देख सकते हैं आप, एक बार देखिए, इतना जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, पर एक बार बंद करके दिखाता हूँ, इतना नहीं पता लग रहा, थोड़ा अगर अंधेरे में हम दिखा पाए तो हम दिखा देंगे। तो ये था पूरा ओवरव्यू लाइट्स के बारे में, पूरा एक्टिवा के बारे में, ड्राइव इंप्रेशन के बारे में। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको ये लेनी चाहिए। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।